श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। अनइमेजिनेबल गेम ऑफ कल्कि इन कलयुग, एवरी वन विल विटनेस टाइम टू टाइम। जी हाँ, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, लेकिन वास्तव में जब इंसान को उन चीज़ों को सहन करना पड़ रहा है, तब इंसान मरने मारने पर उतारू हो जा रहा है। पेट की भूख वो भूख होती है जिसमें इंसान किसी को मार भी डालता है, लूटपाट भी कर लेता है, क्योंकि उसे खाना चाहिए होता है। आज गरीबी के कारण आज जो भूखमरी आई है, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान, आज हर जगह कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि दिखलाई पड़ रहा है आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मंदी की आहट सुनाई पड़ने लगी अभी से, और हमारे देश में उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि हमारे देश के अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के समय में जितना कर्ज था हमारे देश के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा कर्ज में आज हमारा देश डूबा हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका केवल नहीं बल्कि हमारे देश को भी मंदी के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मंदी की शुरुआत होगी अमेरिका से। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे इलेक्शन, बनेंगे वो राष्ट्रपति, और उसके बाद से बैकवर्ड काउंटिंग अमेरिका के स्टार्ट होगी। लेकिन अभी से उसकी शुरुआत, जो आने वाली मंदी की आहट है, रिसेशन का जो टाइम है, वो अभी से स्टार्ट हो चुका है। अब आरबीआई के गवर्नर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि बैंक में पैसे कम हो गए हैं, यानी लोगों ने अब बैंक में पैसे डिपॉजिट करना कम कर दिया है पहले के कंपैरिजन में। कारण, लोग इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, या तो शेयर मार्केट या तो म्यूचुअल फंड। लोगों को रातों रात करोड़पति बनना है, और बैंक उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम देती है, उससे इंसान को नहीं चलने वाला। इसलिए अब जो FD रखी जाती थी बैंक में, अब वो कम रखा जा रहा है। तो इसलिए RBI गवर्नर ने ऑलरेडी एक आने वाले समय को लेकर अलर्ट दे दिया है। दूसरा, हमारे देश में ही हिमाचल प्रदेश के CM ने डिक्लेयर किया, 2 महीने तक किसी को सैलरी नहीं मिलने वाली। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनको, CM को कोई भी 2 महीने तक सैलरी नहीं लेगा। हालांकि वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो फ्री में रेवड़ी बांटी गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि फ्री में अब आप लोग रेवड़ी बांटना बंद कीजिए, जो फ्री में गवर्नमेंट दे रही है सबको सुविधा, जैसे कि पहले सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर के ऊपर, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया, अब सब्सिडी नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार जो फ्री में बिजली दी जा रही है, जो फ्री में पानी का बिल माफ़ किया जा रहा है ताकि लोगों से ज़्यादा वोट मिल सके, इसी के कारण कोर्ट ने भी कहा, इंटरवीन करते हुए, कि ये आज जो मंदी का दौर हिमाचल में आया है, वो पूरा देश एक बार फिर से देखेगा। और वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, क्योंकि ये कहा गया है, भविष्यवक्ताओं ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दी है कि ये होने ही वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं ना कहीं से तो उसकी शुरुआत होती है। जो आने वाला समय है, हमें पहले वो संकेत देता है। तो जो रिसेशन पीरियड आने वाला है, जैसा पहले भी हमारे देश में हो चुका है, पूरे संसार में हुआ है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, तो लोगों ने उसे झेला है। हर चीज़ जैसे थमसी गई थी, कहीं पर कुछ भी चहल पहल नहीं, ग्रोथ तो होता ही नहीं था। हालांकि हमारे देश के PM कह रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ ओके है, CM भी हिमाचल के कह रहे हैं सब ओके है। तो अगर सब कुछ ओके है, तो क्यों 2 महीने की सैलरी उन्होंने कहा है कोई भी नहीं लेगा, ये डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है? अब आने वाले समय को लेकर, जो रिसेशन पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, 100 वर्षों में जो मंदी नहीं आई थी, ऐसी भयंकर मंदी आने वाली है। एक ऑलरेडी साइकिक को ये दिख चुका है, साइकिक को ऑलरेडी पता चल जाता है, जिनका नाम है ब्रेंडन ब्रिक्स, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खतरा मंडरा रहा है 3 महीने पहले,
लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। ठीक वही घटना जो उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बतलाई थी, वही घटना सेम टू सेम घटी। उन्हीं की वाणी है जो मैं बतला रही हूँ कि आने वाले समय में, पिछले 100 सालों में जो मंदी नहीं आई वो आने वाली है। एक तो ये बात, दूसरा जो मैंने स्टार्ट किया कि भगवान कल्कि का अनइमेजिनेबल गेम जो आ रहा है, जो होने वाला है, जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं होगा, आज मांस खाने को, नॉनवेज खाने को लोग मना कर रहे हैं, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, हेल्दी नहीं है, मत खाओ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी धरा पर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास चूंकि खाना नहीं है, इसलिए वो लोग जानवरों को मारकर अपना पेट भर रहे हैं और गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दी है कि मारा जाए एलिफेंट को, जेब्रा को, हिप्पो को यानी दरियाई घोड़े को, और एक हिरण की प्रजाति को, भैंसे को मारकर, उनका शिकार करके उनको मारकर उसके मांस को पकाकर पेट भरो गरीबों का, क्योंकि वहाँ पर अनाज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इमरजेंसी लग चुकी है। मैं बात कर रही हूँ अफ्रीकन कंट्री नामीबिया की, और यूएन ने ऑलरेडी वार्निंग दी है कि अगर हालात पर काबू नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, फेब महीने बारिश होती है, 20% भी वहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि आने वाले समय में बद से बदतर हालात होंगे वहाँ पर, सिर्फ नामीबिया में नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका के और भी कई देशों में ऐसे हालात होने वाले हैं। तो जो पुराणों में भविष्यवाणी लिखी गई है कि बहुत बड़े मंदी का दौर आने वाला है जिसमें अकाल और भूखमरी के कारण लोग मरेंगे, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं दिखलाई पड़ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात कभी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान में आटा लोग छीन छीन रहे हैं एक दूसरे से। जब एक ट्रक उतरता है आटे की, जब बोरी उतरती है, लोग छीना झपटी कर रहे हैं, आसमान को छू रही है महंगाई। और रिसेंटली अभी ओपनिंग डे पर, एक ड्रीम बाज़ार की ओपनिंग डे पर कराची में लोगों ने लूट लिया, जिसको जो मिला बेतहाशा हज़ारों के, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ऑफर्स दिए गए थे फ्री के, बस लोगों ने वो देखा नहीं, चले गए अंदर, लूट लिया जिसको जो मिला, पूरा बाज़ार देखते देखते वो ड्रीम बाज़ार तो कहीं ना कहीं ड्रीम खो गया। और देखते ही देखते हज़ारों लोग आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं कोई उनको कंट्रोल कर पाया, वहाँ की सेना भी नहीं कंट्रोल कर पाई, और लूट लिया गया वो पूरा ड्रीम बाज़ार। तो आने वाले समय में जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, श्रीलंका के हालात, लोग सड़कों पर उतरे, राष्ट्रपति के घर में घुस गए जहाँ वो रहते थे, राष्ट्रपति भवन में, पूरा सब कुछ खा पी लिया, जितना जो था लूट लिया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में भी यही हुआ, आप लोग देखे होंगे, हम लोगों ने सबने देखा। तो जो बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात हैं, जो नामीबिया के हालात हैं, जो उसकी शुरुआत ऑलरेडी, जिसकी आहट मिलनी स्टार्ट हो गई है, अब देखिए भगवान कल्कि का गेम कि एक तरफ कहाँ गाय की हत्या यदि कोई करता है तो हमारे देश में कितना बड़ा शोर, लोग अनजाने में ही पकड़ लेते हैं किसी को कि उसने ज़रूर गाय को मारा और वो मांस बेचने जा रहा है, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जहाँ पर कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं, पैसा नहीं, तो आदेश दे दिया कि एलिफेंट को, जेब्रा को, भैंसों को मारो और खाओ। तो एक ही तरफ इसी धरा पर जहाँ मांस खाने को मना कर रहे हैं, नहीं खाना है, नॉनवेज खाना सनातन के खिलाफ है, वहीं इसी धरा पर एक कुछ ऐसे लोग जिनको अपना पेट भरने के लिए इस तरह से कार्य करना पड़ता है। तो कहाँ पाप और कहाँ पुण्य, कौन इसका पैरामीटर तय करे, भगवान कल्कि के अलावा कोई नहीं कर सकता। कल ही मेरे एक व्यूअर ने लिखा, क्या वैष्णो देवी जाने वाले और चार धाम जाने वाले, क्या केवल हिंदुओं के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है? क्या बाकी धर्मों के लोग जब धर्म यात्रा करते हैं उनके ऊपर खतरा नहीं मंडराता? बिल्कुल मंडराता है। भगवान कल्कि का न्याय सबके लिए एक जैसा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बिल्कुल नहीं,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी बिल्कुल नहीं, केवल कर्म। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया मक्का मदीना, वो धार्मिक स्थल जहाँ पर हज यात्रा में लोग जाते हैं, और इस साल इतनी भीषण गर्मी कि वहाँ पर त्राहिमाम मच गया, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, बहुत लोग खड़े खड़े वहाँ पर मर गए। और अभी रिसेंटली वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन जो करवाया गया उसमें ऐसे बाढ़ के हालात बन गए हैं कि लोगों के घर डूब रहे हैं, गाड़ियाँ बही जा रही हैं, अब गवर्नमेंट के हाथ पांव वहाँ भी फूल रहे हैं। तो जो भी हालात है आज पूरी दुनिया उसे फेस कर रही है। चाइना में भी बाढ़ के कारण हालात बहुत बुरे हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण, इसराइल और हमास के युद्ध के कारण आज हालात बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है, और इन सब चीज़ों को कंट्रोल इंसान नहीं कर सकता। इसलिए श्रीहरि ने कल्कि के रूप में जन्म लिया। तो जैसा भी आप कहें, चाहे उन्हें कल्कि माने, चाहे सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट माने, या फिर पैगंबर मोहम्मद माने, गुरु नानक माने, अब जो उन्हें मानना चाहें, लेकिन कोई ऐसी शक्ति धरा पर है जो अपने ही आँखों के सामने सब कुछ होता हुआ न सिर्फ देख रही है बल्कि लोगों की आँखें खोलने के लिए उन घटनाओं को अंजाम तक पहुँचा रही है। क्योंकि विनाश लीला में यही कुछ होने वाला है जो पुराणों में लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।